नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज और आज के वीडियो में हम बात करेंगे मध्यकालीन भारत के पूरे इतिहास के बारे में। हम बात करेंगे, इसी वीडियो में हम कवर करेंगे पूरे के पूरे मध्यकालीन भारत को, जो कि 712 से 1757 ईस्वी तक है। और इस टॉपिक से एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि जो मैंने कंटेंट यहाँ तैयार किया है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी बुक के कंटेंट से आप मिला लीजिएगा इस कंटेंट को, वहाँ से आपको किसी भी बुक में आपको कहानी के जैसा लिखा होता है। बट मैंने जो यहाँ रखा हुआ है पॉइंट है वो बहुत सोच समझ के और जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हीं पॉइंट को यहाँ रखा है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए मध्यकालीन भारत को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, भारत में अरबों का आक्रमण होता है, और कौन करता है, तो मोहम्मद बिन कासिम करता है। अरबों का पहला सफल आक्रमण करता है 712 ईस्वी में, और सिंध के कुछ इलाकों पर उसने अधिकार विजय प्राप्त किया। और उस समय सिंध का राजा कौन था, सिंध का राजा दाहिर था। तो ये भी पूछा जा सकता है, अगर क्वेश्चन टफ करना होगा तब आपसे पूछा जाएगा, ऐसे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। भारत में अब अरबों का आक्रमण का जो मुख्य उद्देश्य था वो इस्लाम धर्म का प्रचार करना और यहाँ से धन दौलत को लूटना, ये तो सबका पर्पस था, ठीक है, अपने धर्म का प्रचार करना और यहाँ से पैसा धन दौलत को लूट के जाना। आगे जो अगला शासक आया उसका नाम था मोहम्मद गजनी, और ये कहाँ का शासक था, ये तुर्क का शासक था। मोहम्मद गजनी के बारे में कुछ जान लेते हैं, उससे पहले उसके इतिहास को जान लेते हैं। 932 ईस्वी में अल्पगीन नामक एक तुर्क सरदार था जिसने गजनी साम्राज्य की स्थापना किया, और इसकी मृत्यु के बाद प्रीतिगिन 972 से 977 ने शासन किया, और इसने सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया। सबसे पहले इसी ने आक्रमण किया था भारत पे। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब का जो शाही राजा था वो जयपाल था, ठीक है, तो ये भी आपसे आपको याद रखना है। उसके बाद क्या हुआ कि अल्पगीन का गुलाम और दामाद सुबुकगीन था जिसका पुत्र गजनी हुआ। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे पूछा जाएगा कि महमूद गजनी के जो फादर का नाम था, पिता का नाम था, वो क्या था, सुबुकगीन। यहाँ पे देखिएगा, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये 977 ईस्वी में गजनी के गद्दी पे बैठता है, ठीक है, आगे देखिएगा। और मैंने बता दिया इसी का बेटा कौन था, महमूद गजनी। महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में, 971 में उसका जन्म हुआ था, 998 में 27 वर्ष की अवस्था में गद्दी पे बैठता है। और उसने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था, तो महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, ठीक है, आगे देखते हैं। महमूद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में पाकिस्तान के पेशावर के कुछ भागों पे किया था, जहाँ पे उसने अधिकार भी किया। और 1001 ईस्वी में जयपाल जो पंजाब का शासक था उसके विरुद्ध उसने आक्रमण किया, जिसमें जयपाल हार जाता है, मतलब भारत पे महमूद गजनी एंट्री ले लेता है भारत में, ठीक है, आगे देखते हैं। महमूद गजनी 1001 ईस्वी में जो नगरकोट का हमला किया था वो जहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा आपसे, नगरकोट पे महमूद गजनी ने कब आक्रमण किया था, तो 1001 ईस्वी में किया था। देखिए दोस्तों, सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, पीसीएस हो, एसएससी हो, रेलवे हो, सभी एग्जाम के इम्पॉर्टेंट पॉइंट को मैंने एक सीक्वेंस में अरेंज किया है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इससे आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं। आगे देखिएगा, नगरकोट के हमले के बाद महमूद गजनी का जो फेमस आक्रमण होता है, सोमनाथ का मंदिर पे आक्रमण होता है 1025 ईस्वी में। और नगरकोट पे क्यों हमला किया था, कि मूर्तिवाद के विरुद्ध, मतलब हिंदू धर्म में क्या होता है, मूर्तियों की पूजा होती है, जिसका वो विरोध करता था, जो वो उसको अच्छा नहीं लगता था मूर्ति की पूजा, इसलिए उसने नगरकोट पे हमला किया 1025 ईस्वी में, सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण किया। महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण था 1027 ईस्वी में, जाटों के विरुद्ध था। महमूद गजनी की मृत्यु हो जाती है 1030 ईस्वी में, उसकी मृत्यु हो जाती है। अब देखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है, ये भी रेलवे के एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, कि अल बदरूनी, फिरदौसी, उतबी तथा फारूकी महमूद गजनी के दरबारी कवि थे, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद जो अगला शासक आता है मोहम्मद गौरी आता है। अब मोहम्मद गौरी के बारे में जान लेते हैं, तो गौर मोहम्मद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था, जो गौर है ना, गौर एक जगह का नाम है, जो कि गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन
मोहम्मद गौरी गौर का शासक बनता है और उसने भारत पर पहला आक्रमण किया 2 साल के बाद 1175 ईस्वी में मुल्तान, जो कि अभी फिलहाल पाकिस्तान में है। ठीक है, तो पहला आक्रमण के बारे में पता चल गया मोहम्मद गौरी के बारे में, और यही क्या करता है कि भारत पर कब्जा करता है बाद में पृथ्वीराज चौहान को हरा के। अभी तक मुसलमानों का शासन नहीं हुआ, अभी तक मुसलमान घुसे नहीं थे भारत में, बट जब पृथ्वीराज चौहान हार जाएंगे तब मुस्लिम शासक भारत में पूरी तरह से घुस जाएंगे। उसके बाद भारत धीरे धीरे गुलाम बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शासक है मोहम्मद गौरी। अब देखते हैं आगे इसने क्या किया। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात में हुआ था। यहाँ का शासक भीम द्वितीय ने गौरी को बुरी तरह से परास्त किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। तराइन का पहला युद्ध है, ठीक है, तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था 1191 में, किसके बीच में हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, जिसमें क्या हुआ कि पृथ्वीराज चौहान पहले युद्ध में जीत जाते हैं, जो कि 1191 में हुआ था। और पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को मारते नहीं है, भारत के जो राजा थे वो मारते नहीं थे, छोड़ देते थे हराने के बाद। ठीक है ना, आगे देखते हैं। तराइन का दूसरा युद्ध होता है 1192 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और मोहम्मद गौरी जीत जाता है, और इसके बाद से ही भारत में मुस्लिम शासन जो होता है ना वो स्टैब्लिश हो जाता है, मतलब मुसलमानों का अधिकार हो जाता है भारत में, गुलाम बनना स्टार्ट हो जाता है भारत तराइन के दूसरे युद्ध के बाद। यहाँ से एग्जाम में सेम क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको इतने इतने डिटेल में बताया। आगे देखिएगा, उसके बाद क्या होता है, चंदावार का युद्ध होता है 1194 में, गौरी और जयचंद के बीच में होता है, जिसमें गौरी जीत जाता है और मोहम्मद गौरी की हत्या हुई थी 15 मार्च 1206 को। ठीक है, ये याद रखना है कि 15 मार्च 1206 को मोहम्मद गौरी की हत्या हुई थी, क्योंकि इसी के बाद दिल्ली सल्तनत मतलब दिल्ली सल्तनत आ जाता है। ठीक है ना, तो दिल्ली सल्तनत का जो इतिहास है 1206 से लेके 1526 के बीच में है। अब दिल्ली सल्तनत में पहला जो वंश आता है वो स्लैब डायनेस्टी आता है, जिसको हम गुलाम वंश के नाम से जानते हैं, और जिसमें जो पहला शासक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था मोहम्मद गौरी का गुलाम था, तो ये आपको याद रखना है, इसी ने गुलाम वंश की स्थापना 1206 में की थी। ठीक है, आगे देखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो राज्य अभिषेक हुआ था, जाहिर सी बात है कि 1206 में होता है राजा, वो 1206 में बनता है, और उसकी जो राजधानी थी, ये पूछेगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी, तो लाहौर में थी, तो ये आपको याद रखना है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की शुरुआत की थी, मतलब बनने का जो शुरुआत किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, बट उसे पूरा कौन करवाया था, 1231 में इल्तुतमिश ने कराया था, जो कि उसका गुलाम भी था और दामाद भी था। ठीक है, ये दिल्ली सल्तनत का सबसे प्रभावशाली शासक था इल्तुतमिश, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का सबसे प्रभावशाली शासक इल्तुतमिश था, ये याद रखिएगा। आगे देखिएगा, दिल्ली का कुवत उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता था। ठीक है ना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दानी भी था, उदार दिल का था, इसलिए उसको लाख बख्श कहा जाता था। तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, किसको लाख बख्श कहा जाता था। आगे देखते हैं, आगे है कि मैंने बता दिया कुवत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली का और अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा, ये एक तूफान, एक हवा चलता है जो कि 2.5 दिनों तक चलता है, जिसके कारण इस मस्जिद का नाम 2.5 दिन का झोपड़ा रखा गया, तो ये याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनानायक बख्तियार खिलजी था, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो बख्तियार खिलजी था उसने क्या किया था, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। ठीक है ना, ये किसका गुलाम था, ये गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम, नहीं सॉरी, ये गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक भी गौरी का गुलाम था और बख्तियार खिलजी भी गौरी का गुलाम था। आगे देखते हैं, आगे देखिएगा, यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु होती है वो चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो जाती है, और उसको लाहौर में दफनाया गया था, तो ये भी पूछा जाता है कि उसकी मृत्यु कैसे हुई, या फिर उसकी मृत्यु कब हुई, या उसे दफनाया कहाँ गया था, तो उसकी राजधानी क्या थी, लाहौर थी, और वहीं पे उसको दफनाया गया था। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक का जो कहानी था वो कंप्लीट किया मैंने। अब देखते हैं हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कुछ और बातें देख लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो बेटा था आरम शाह था, आरम शाह,
जो कि 8 महीनों तक ही शासन किया। बाद में क्या होता है, इल्तुतमिश से क्या करता है, अपने जो साला था मतलब कुतुबुद्दीन, जो इल्तुतमिश का जो दामाद था, सॉरी कुतुबुद्दीन ऐबक का जो दामाद था वो तो इल्तुतमिश था, वो क्या करता है कि आरम शाह उसका जो बेटा होता है उसको मार देता है और 1211 में दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। मतलब अपने ही साले साले को इसने मार दिया और गद्दी पर बैठ जाता है 1211 में। आगे देखते हैं इल्तुतमिश के बारे में देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने बहुत कुछ किया था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, इसलिए इसको गुलामों का गुलाम कहा जाता था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक खुद गुलाम था और उसका गुलाम कौन था, इल्तुतमिश था, जिस कारण इसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद भी था, जो कि मैंने पहले ही आपको बता दिया था। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी दिल्ली से, लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी, मतलब लाहौर से दिल्ली अपनी राजधानी को बना लिया था उसने, जिसके कारण इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रेलवे में भी पूछा जा सकता है, SSC LDC जो लोअर डिवीजन क्लर्क के एग्जाम होते हैं उसमें पूछे जा सकते हैं। इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी सिक्कों को चलाया था, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इल्तुतमिश से ने शुद्ध अरबी सिक्कों को चलाया था, पहला शासक था वो। उसके बाद हम देख लेते हैं इल्तुतमिश के बारे में और भी कुछ हमें देखना था, यहाँ देखते हैं। चलिए, मैंने बता दिया था कि शुद्ध अरबी के सिक्कों को चलाया था। इल्तुतमिश के बाद उसकी पुत्र, उसका जो पुत्र था उसका नाम क्या था, रुकुद्दीन फिरोज गद्दी पे बैठता है। वो एक अयोग्य शासक था, वो शासन नहीं करता था, उसकी जो माँ थी ना वो शासन करती थी, और जिसके कारण बाद में वहाँ तुर्क सरदारों ने रजिया बेगम को 1236 में शासिका बनाया, जिस कारण रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका बनी और दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका बनी। ठीक है, तो ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है बट कम चांस है, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है ना, पूछा जा सकता है, जो लोअर डिवीजन है, जो नीचे लेवल के एग्जाम होता है ग्रुप डी में, ये क्वेश्चन बन सकता है। आगे देखिएगा, रजिया सुल्तान के बारे में हम देख लेते हैं। तो रजिया सुल्तान, जैसा कि मैंने बताया कि 1236 में मुस्लिम शासिका थी, जो कि दिल्ली की शासिका बनी, पहली थी ऐसी। उसके बाद कुछ तुर्क, रजिया सुल्तान क्या थी, रजिया सुल्तान है जो उसका शासन करने का तरीका कुछ अलग था। वो जो शास जो जब जब आती थी महल में, आती थी मतलब सभा में आती थी, तो वो टोपी पहन के आती थी, खुले मुंह से आती थी, जिस कारण जो तुर्की सरदार, तुर्की जो अमीर थे, वो रजिया को पसंद नहीं करते थे। और बाद में क्या करते हैं, उनके विरोध में मतलब रजिया के विरोध में बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी से हटा देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। बाद में क्या होता है, इसके बाद जब गद्दी से वो हट जाती है, तो उसके बाद रजिया की शादी किससे होती है, अल्तुनिया के साथ होती है। और अल्तुनिया के साथ वो क्या करती है कि फिर से गद्दी को प्राप्त करने की कोशिश करती है, बट इसमें वो सफल नहीं होती है। बाद में क्या होता है कि तुर्क से जो अमीर लोग थे वो क्या करते हैं कि रजिया सुल्तान को कुछ डाकुओं के द्वारा कैथल के पास है 1240 में, 13 अक्टूबर 1240 में उसकी हत्या करवा देते हैं, अल्तुनिया की और रजिया सुल्तान दोनों की। ठीक है ना, आगे देखते हैं इसके बाद कौन शासक बना। तो इसके बाद शासक बना बहराम शाह। मैंने एकदम सीक्वेंस से लिखा है और एक भी पॉइंट को यहाँ मिस नहीं किया है। ठीक है ना, तो इसको पूरा अंत तक आप देखिएगा, पूरा आपका मध्यकालीन भारत क्लियर हो जाएगा, और आप चाहें तो यहाँ से नोट्स भी बना सकते हैं। आगे देखिएगा, 1240 से 1242, रजिया सुल्तान को गद्दी से हटाने के बाद तुर्क अमीर ने बहराम शाह को गद्दी पे बैठाया, और इसी के समय 1241 में पहली बार दिल्ली सल्तनत को मंगोलों के आक्रमण को झेलना पड़ा। 1240 में बहराम शाह की मृत्यु के पश्चात अलाउद्दीन मसूद शाह शासक बनता है। ठीक है, तो इतना ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहराम शाह के बारे में। आगे हम देखते हैं नसरुद्दीन महमूद, इसका शासन था 1246 से लेकर 1265 तक, मतलब इसने बहुत शासन किया। अब देखिएगा, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। बलबन की सहायता से नसरुद्दीन महमूद ने गद्दी की प्राप्ति की थी, और यह बलबन का दामाद भी था। इससे पहले यह टोपी सिलकर अपना जीवन बिताता था, ये जो शासक है नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सिलकर अपने जीवन की निर्वाह करता था, ये मैंने आपको पहले बता दिया। इसके बाद कौन आता है, बलबन आता है। 1266 से लेके 1286 तक इसने शासन किया। बलबन इल्तुतमिश का तुर्की दास था, मतलब ये भी गुलाम था इल्तुतमिश का, जिसने जिसे उसने ग्वालियर विजय के बाद खरीदा था। ठीक
ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन को हार्ड करना होगा तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बलबन ने किसका गुलाम था, इल्तुतमिश का, और उसको कब खरीदा गया था, ग्वालियर विजय के बाद उसको खरीदा गया था। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन था। नसरुद्दीन महमूद बलबन को उलग खान की उपाधि दी गई थी, तो ये पूछा जा सकता है कि उसको कौन सी उपाधि दी गई थी। अब यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा कि बलबन ने ही नौरोज की त्यौहार की थी, जो नौरोज पर्व मनाया जाता है वो बलबन ने स्टार्ट किया था, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। अपने विरोधियों के प्रति बलबन कठोर लौह और रक्त की नीति का पालन करता था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन को अगर हार्ड बनाना होगा तो ये पूछा जाएगा, ठीक है, क्योंकि बलवन के बारे में बहुत बुक में आपको डिटेल में देखने नहीं मिलेगा। आगे देखिएगा, फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर हसन और अमीर खुसरो बलवन के दरबारी कवि थे, तो ये पूछा जा सकता है। अमीर खुसरो के बारे में पूछा जा सकता है कि किसके दरबारी कवि थे, तो बलवन के दरबारी कवि थे। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कैमूर से क्यूमर्स, ये देख लीजिएगा नाम, क्यूमर्स था गुलाम वंश का अंतिम शासक, ठीक है। तो ये मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि मैंने आज तक किसी एग्जाम में इस क्वेश्चन को देखा नहीं है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं खिलजी वंश के बारे में, जिसका शासन 1290 से लेकर 1320 तक था, ठीक है। गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 को जलाहुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी, और उसने किलो खरी को अपनी राजधानी बनाई थी। जलाहुद्दीन खिलजी की हत्या 1296 में उसके भतीजा एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने इलाहाबाद में कर दी थी, तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। आगे देखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर 1316 के बीच में, और अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक बलवन के लाल महल में किया था, ठीक है। तो ये आपको जानना चाहिए, बट एग्जाम में नहीं पूछेगा। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का सबसे प्रभावी शासक था, आप लोग जानते भी होंगे, इस पर एक फिल्म भी बना था, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया था कि उस फिल्म में अलाउद्दीन खिलजी का जो रोल है वो किसने निभाया था, तो रणबीर सिंह ने शायद निभाया था, आप लोगों को पता होगा, पद्मावत उस फिल्म का नाम था। तो चलिए आप देख लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी ने जो सेना को जो अभी नगद वेतन दिया जाता है या अस्थायी सेना रखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। इसने हुलिया बदलने और घोड़े से युद्ध करने की नीति अपनाई थी, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली की भी व्यवस्था लागू की थी अपने सैनिकों के लिए, ठीक है ना, अपने सैनिकों के लिए मूल्य नियंत्रण प्रणाली, हर चीज़ का जो मूल्य हो वो फिक्स हो, इस चीज़ को पहली बार अलाउद्दीन खिलजी ही लेके आया था। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे और भी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं यहाँ पे, तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को सिकंदर सानी की उपाधि दी थी, जिसके कारण वह अपने आप को स्वयं को दूसरा सिकंदर कहता था, ठीक है। उसने अलाई दरवाजा, सीरी का किला तथा हजार खंभा महल का निर्माण किया था, तो ये उसके कुछ बनाए गए महल थे जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? अलाई दरवाजा, सीरी का किला, हजार खंबा भी इम्पॉर्टेंट है, तो जितने इम्पॉर्टेंट है बस उन्हीं को मैंने रखा है, ऐसे तो उसने काफ़ी कुछ बनाया था। उसके बाद अगला जो आता है ना, मुबारक है, मुबारक खिलजी आता है, अगला क्या आता है? मुबारक खिलजी, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं मुबारक खिलजी के बारे में। तो यह दिल्ली का पहला शासक था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। अलाउद्दीन खिलजी के बाद का शासक था जिसने 1316 से लेकर 1320 तक शासन किया था। मुबारक के वजीर खुसरो खां 15 अप्रैल 1320 को हत्या कर दी थी और दिल्ली के सिंहासन पे बैठा, और खुसरो खां स्वयं को पैगंबर का सेनापति भी कहता था। पैगंबर आप लोगों को पता है कौन थे? पैगंबर मोहम्मद, जिसने इस्लाम धर्म की शुरुआत की थी उन्होंने। आगे देखिएगा तुगलक वंश। तुगलक वंश ने 1320 को 1320 से लेकर 1412 तक तुगलक वंश का शासन रहा। पूछा जाता है कि सबसे लंबा शासन किसका रहा, तो आप लोगों को पता होगा कि 84 सालों तक गुलाम वंश ने सबसे ज़्यादा लंबे समय तक शासन किया था, ठीक है, 84 साल तक। और यहाँ देखेंगे तो ये लोग कितने साल तक शासन किए थे? 1320 से लेके 1412 तक, तो इन्होंने लगभग 92 साल तक शासन किया था। तो किसी बुक में मैंने देखा है कि तुगलक वंश का शासन सबसे लंबा था, किसी बुक में मैंने देखा है गुलाम वंश का सबसे लंबा शासक था, आप गूगल करके देख लीजिएगा इस चीज़ को, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो तुगलक वंश में जो पहला शासक था गयासुद्दीन तुगलक है, 1320 से लेके 1325 तक इसने शासन किया गयासुद्दीन तुगलक ने, और ये इम्पोर्टेंट था क्योंकि इसने काफ़ी कुछ काम किया था।
5 सितंबर 1320 को खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक एवं तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 1320 को दिल्ली के सिंहासन पे बैठता है, दिल्ली की गद्दी पे बैठता है। और इसने नहरों से सिंचाई जो की शुरुआत जो थी की थी इसी ने की थी। और इसने डाक व्यवस्था को जो पोस्ट ऑफिस से सेवा होता है उसकी भी शुरुआत की थी इसी ने। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप की पहाड़ियों में एक तुगलकाबाद जिसको बदरपुर बॉर्डर के नाम से आप जानते हैं की स्थापना की थी, जो कि इम्पोर्टेंट है आपसे पूछा जा सकता है। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 में बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गई थी। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ से पूछा जा सकता है कि उसकी मृत्यु कैसे हुई थी, उसकी मृत्यु का कारण पूछा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। तो गयासुद्दीन तुगलक के बारे में मैंने जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था मैंने आप लोग को बता दिया, आगे देखते हैं। जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पे बैठता है, ठीक है। इसके बाद जो शासक आता है जूना खां आता है, जिसका शासन 1325 से लेके 1351 तक था। मोहम्मद बिन तुगलक इसी को बोलते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है कि जूना खां का असली नाम है, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक का रियल नाम क्या था, तो जूना खां था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। आगे देखिएगा, मध्यकालीन सुल्तानों में सबसे जो सर्वाधिक शिक्षित था, मतलब पूरे मध्यकालीन भारत में 1206 से लेके 1526 तक में सबसे शिक्षित और योग्य शासक जो था वो था मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है ना। मोहम्मद बिन तुगलक सबसे योग्य शासक था। मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं के कारण उसे रक्त पिशाचु, पागल पागल और स्वप्नशील भी कहा जाता था। उसने कृषि विभाग को दीवान ए कोही की स्थापना की थी, कृषि विभाग में दीवाने कोही की स्थापना की थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित की और इसका नाम दौलताबाद रखा। इसी के शासन काल में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता ने 1333 में मोरक्को से भारत आया था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि 1333 में मोरक्को से भारत कौन आया था, तो इब्न बतूता, जो कि एक अफ्रीकी यात्री था। इसकी एक किताब थी, इसकी किताब का नाम क्या था, रेहला, जिसमें इसने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की जो इम्पोर्टेंट घटना थे उनके बारे में वर्णन किया था। और 1351 में क्या होता है कि सिंध के विद्रोह को दबाने के कारण, बीमारी के कारण मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। तो ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। आगे देख लेते हैं, उसके बाद जो शासक आया फिरोज शाह तुगलक, 1351 से लेके 1388 तक इसने शासन किया। और इसने पहली बार ब्राह्मणों पे जजिया कर को भी लगाया और जो सैनिक पद होते हैं उसको वंश के हिसाब से चलाना स्टार्ट कर दिया। मतलब क्या हुआ कि उस सैनिक का जो बेटा होगा वही अगला सैनिक बनेगा, ठीक है, तो ऐसा इसने कर दिया। आगे देखिएगा, फिरोज तुगलक ने 300 नए शहरों की स्थापना की, तो पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। इसमें जो प्रमुख थे फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर, ये सब इम्पोर्टेंट शहर थे उसके द्वारा स्थापित। तो पूछा जा सकता है कि फिरोजाबाद की स्थापना किसने की थी, या फतेहपुर, या जौनपुर, या फिरोजपुर की स्थापना किसने की थी, ये आपसे पूछा जा सकता है। आगे देखिएगा, सुल्तान फिरोज तुगलक ने गरीबों की सहायता के लिए दीवाने खैरात की स्थापना की थी, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना होगा, सुल्तान फिरोज तुगलक ने गरीबों की सहायता के लिए दीवाने खैरात की स्थापना की थी। इसने अपनी आत्मकथा फतूहे शाही की रचना की थी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि इसने अपनी आत्मकथा फतूहे शाही की रचना की थी। आगे देखिएगा, फिरोज तुगलक की मृत्यु 1388 में हो गई थी, तो ये पूछा नहीं जाता है हालांकि, ठीक है ना। केवल पूछा जाएगा उसका शासनकाल कब से कब तक था, तो मैंने बता दिया 1351 से लेके 1388 तक। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था, ये पूछा जा सकता है, नसरुद्दीन महमूद तुगलक, तो ये याद रखिएगा आप लोग। आगे देखते हैं, सैयद वंश, 1414 से लेके 1451 के बीच में सैयद वंश का शासन रहा। सैयद वंश का शासक जो पहला शासक था, मतलब संस्थापक कौन था, खिड़जी खां, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने सुल्तान की उपाधि ना धारण करके, एक चीज मैंने नहीं बताया कि दिल्ली सल्तनत में जो भी शासक होते थे वो सुल्तान होते थे, और जो मुगल शासक होंगे वो अपने आप को बादशाह कहलाते थे, जैसे बादशाह अकबर, बादशाह बाबर, ठीक है, तो ये लोग सुल्तान थे दिल्ली सल्तनत वाले। इसने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की थी, इसने क्या उपाधि धारण की थी, रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी। खिड़ज खां तैमूर लंग का सेनापति था, तैमूर लंग का सेनापति कौन था, खिड़ज खां, मतलब
इसने क्या किया, तुगलक को समाप्त करके सैयद वंश की स्थापना कर दी थी खिलजी खान ने, ठीक है ना। और ये किसका सेनापति था, तैमूर लंग का, ठीक है। आगे देखिएगा, इसके बाद इसका पुत्र मुबारक खान ने शाह की उपाधि से दिल्ली की गद्दी पे बैठता है, इसका जो बेटा था मुबारक खान था, और यमुना के किनारे मुबारक खान ने मुबारकाबाद की स्थापना की थी, मुबारक शाह ने, सॉरी मुबारक शाह ने मुबारकाबाद की स्थापना की थी, और मुबारक खान उसका रियल नाम था। शाह की उपाधि से वो दिल्ली की गद्दी पे बैठा था, इसलिए उसका नाम चेंज हो गया और उसका नाम क्या हो गया, मुबारक शाह, ठीक है ना। तो रियल नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसे आप लोग को देखना है। एक बार आप लोग नोट्स तैयार कीजिए, नोट्स को क्या कीजिए, 10 बार आप लोग पढ़ लीजिए तो आप लोग को खुद ही याद हो जाएगा। जब याद कीजिएगा तो कभी याद नहीं होता है, ठीक है ना। तो कभी भी किसी चीज़ का टेंशन नहीं लीजिए, उस चीज़ का अगर टेंशन आप नहीं लीजिएगा, केवल उसको रेगुलर आप देखते हैं तो आपको खुद ही याद हो जाएगा। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह था, ठीक है ना। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान याद रखिएगा, अलाउद्दीन आलम शाह। चलिए आगे देखते हैं हम लोग लोधी वंश के बारे में। अब देखिए, लोधी वंश का शासक, ये पूछा जाता है कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लोधी वंश का संस्थापक कौन था, बहलोल लोधी, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ये जो था पहला अफगानी साम्राज्य भारत में स्टेब्लिश किया था, बहलोल लोधी ने पहला अफगान साम्राज्य दिल्ली में इस्टेब्लिश किया था, स्थापित किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाएगा आपसे, क्योंकि इससे पहले तुर्की लोग चलते आ रहे थे, और इसने क्या किया, पहला अफगानी साम्राज्य स्थापित किया, ठीक है। बहलोद लोधी का जो बेटा था वो निजाम खान था, जिसका जो गद्दी पे बैठता है सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से, ठीक है ना। तो ये आपसे पूछा जाएगा, 1489 में सिकंदर लोधी ने ही फाउंड किया था 1504 में आगरा शहर को, तो 1504 में आगरा शहर की स्थापना हुई थी, जिसका फाउंडर था, जिसका खोजकर्ता था सिकंदर लोधी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, 99% चांस है कि एग्जाम में पूछा जाएगा। सिकंदर लोधी ने आगरा को कैपिटल अपना बनाया था, ठीक है, दिल्ली की जगह पे आगरा को इसने कैपिटल बनाया था। ये भी पूछा जाएगा कि सिकंदर लोधी की राजधानी कहाँ थी, ठीक है। इसने क्या किया था कि नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर को मतलब बर्बाद कर दिया था, और जो वहाँ की मूर्ति थी ज्वालामुखी मंदिर के, नगरकोट में जो ज्वालामुखी मंदिर थे उसमें जो मूर्ति थी उसको क्या किया, तोड़ कर जो कसाई होते थे ना उनको मांस को तोड़ने के लिए दे दिया था, उसके टुकड़े को, मूर्ति के टुकड़े को। तो सोचिए कितना खराब ये शासक था। हमें सभी धर्म का रिस्पेक्ट करना चाहिए, चाहे वो कोई भी धर्म हो, हमें सभी धर्म का रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि धर्म अपनी जगह है, इंसानियत अपनी जगह है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसने क्या किया था, जो मुस्लिम में औरतें थी तो उन पे काफ़ी ज़्यादा प्रतिबंध लगा के रखा था, उनको बुरका में रहना था, उनको संतों के पास नहीं जाना था, उनको मस्जिदों में नहीं जाना था नमाज पढ़ने के लिए, तो इसने ये सब काम किया था जो कि सही नहीं था। आगे देखते हैं, सिकंदर लोधी की मृत्यु होती है 1517 में, ठीक है। इसके बाद इसका बेटा इब्राहिम शाह के नाम से गद्दी पर बैठता है। आगे देखते हैं, और इसी के बाद इब्राहिम जो लोधी था, इसी के बाद ये जो लोधी वंश था इसका समाप्ति होता है, और साथ में दिल्ली सल्तनत जो था उसका भी समाप्ति होता है, ठीक है ना। और 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में युद्ध होता है, जिसमें बाबर जीत जाता है, और इसके बाद बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी इब्राहिम लोधी को हराने के बाद। इससे पहले क्या होता है कि बाबर ने पहला आक्रमण कब किया था, 1519 में किया था बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण, और बाबर ने पानीपत के युद्ध से पहले कुल 5 बार भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है। पानीपत का आक्रमण, पहला आक्रमण कब हुआ था, 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। दूसरा आक्रमण 30 साल के बाद 1556 में हुआ था, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, ठीक है। उसके बाद 20 साल के बाद हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में, अकबर और राणा संगा के बीच हुआ था। राणा संगा ने शायद अभी आगे हम देखते हैं, महाराणा प्रताप के बीच हुआ था, ठीक है। हम देखते हैं आगे, बाबर के बारे में पहले देख लेते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मुगल साम्राज्य के बारे में, दोस्तों आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है और मैंने काफ़ी मेहनत किया है इस नोट्स को बनाने में, और साथ में वीडियो को बनाने में भी काफ़ी मेहनत किया है मैंने, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट कीजिएगा, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और मैं इससे भी अच्छा कंटेंट आप लोग को प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए आगे देखते हैं मुगल साम्राज्य
साम्राज्य के बारे में जिसका शासनकाल 1526 से लेकर 1757 तक था। ठीक है, मतलब 1757 तक है पूरे तरीके से मुगल साम्राज्य था। उसके बाद अंग्रेज लोग आते हैं, तो सब कुछ हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहला शासक कौन था मुगल का? बाबर। 1526 से लेकर 1530 तक इसने भारत पर शासन किया और इसी को भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद जो कि इब्राहिम लोदी के साथ इसने किया था। आगे देखते हैं, बाबर का जन्म हुआ था फरवरी 1483 में। बाबर का जन्म हुआ था और 1519 में मैंने बता दिया कि इसने भारत में 5 बार आक्रमण किया था। पहला आक्रमण 1519 में किया था, पानीपत के युद्ध के बारे में मैंने बता दिया आपको। और पानीपत का युद्ध इसने क्यों जीता था? तो पानीपत के युद्ध में इसने पहली बार तोपों का उपयोग किया था, जिसके कारण ये पानीपत का युद्ध आसानी से जीत गया। उस समय का तोप जो था ना, वो उन्नत किस्म का वेपन्स था, हथियार था, जिस कारण पानीपत के युद्ध में ये सफल रहा था बाबर। आगे देखिएगा, इसने जो युद्ध के लिए नीति अपनाई थी, जो पॉलिसी अपनाई थी, उस पॉलिसी का नाम था तुगलका, देखिएगा, तुगलमा पॉलिसी था। तो ये पूछा जाएगा, इसे आप लोग देख लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे देखिएगा, अब बाबर के द्वारा एक युद्ध लड़ा गया था, खनवा का युद्ध है। खनवा का जो युद्ध हुआ था बाबर और राणा संगा के बीच में हुआ था 1527 में। 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था, 1527 में खनवा का युद्ध हुआ था बाबर और राणा संगा के बीच में। और राणा संगा को क्या किया गया था? जहर दे के मार दिया गया था। ठीक है, और चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1528 में हुआ था, मैदानी राय और बाबर के बीच में। बाबर कभी हारा नहीं अपने जीवन काल में, हमेशा जीता था वो। ठीक है ना, आगे देखिएगा, द बैटल ऑफ घाघरा, घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में। किसके बीच में हुआ था? अफगान और बाबर के बीच में हुआ था घाघरा का युद्ध है। तो युद्ध का नाम याद रखिएगा, किसके बीच में हुआ ये याद रखिएगा, और कब हुआ ये याद रखिएगा, क्योंकि 3 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। उसके बाद बाबर ने अपने आप को किसकी कलंदर की उपाधि दी थी? तो ये भी आपको याद रखना होगा कि कलंदर की उपाधि किसने दी थी, तो बाबर ने अपने आप को दी थी। खनवा के युद्ध के बाद उसने जिहाद, मतलब जिहाद का नारा दिया था खनवा के युद्ध के बाद बाबर ने। ठीक है ना, और अपने उसने एक उपाधि धारण की थी, गाजी की उपाधि इस युद्ध के बाद उसने धारण की थी। तो आपसे पूछा जाएगा कि जिहाद का नारा, जो स्लोगन था, वो किसने दिया था? तो बाबर ने दिया था। अब मैंने बता दिया कि राणा संगा की मृत्यु कैसे हुई थी। तो राणा संगा की मृत्यु जहर से हुई थी, 1528 में हुई थी। और बाबर की मृत्यु हो जाती है 1530 में, 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है 48 साल के एज में। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। आगे और भी कुछ इंपॉर्टेंट है पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। बाबर की जो ऑटोग्राफी है, मतलब उसकी जो जीवनी है, वो बाबर नामा है, जो कि तुर्की भाषा में लिखा गया। बाद में इसको पारसी भाषा में कन्वर्ट किया था। और बाबर जो था तुर्की भाषा को तो जानता था, उसका जो मदर टंग था, मातृभाषा था, वो तुर्की था। बट उसको अरबी और पारसियन का भी, पारसी लैंग्वेज का भी बहुत अच्छा नॉलेज था। ठीक है ना, उसके बाद जो अगला शासक आता है वो हुमायूं आता है। हुमायूं भी दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शासक है, तो इसके बारे में भी हम अच्छे से देखेंगे। ठीक है, अगला शासक आता है हुमायूं। इसने केवल एक ही युद्ध जीता। ठीक है ना, एक ही युद्ध जीता, ये बहुत ज़्यादा, ये हमेशा हारता था हुमायूं जो था, हमेशा हारता था, ज़्यादा ये जीत नहीं पाता था। ठीक है, नसरुद्दीन हुमायूं दिल्ली की गद्दी पे बैठता है इस नाम से, नसरुद्दीन हुमायूं के नाम से। और द बैटल ऑफ चौसा वॉज फाउट बिट में, मतलब जो चौसा का युद्ध हुआ था वो शेर खान और हुमायूं के बीच में 1540 में होता है, जिसमें शेर खान जीत जाता है और हुमायूं गद्दी से हट जाता है। और शेर खाने को ही आप शेर शाह सूरी के नाम से जानते हैं। इसने सूरी वंश की स्थापना किया 1540 में, और जो जीटी रोड है ना, इसी ने बनवाया था, उसकी मरम्मत इसी ने करवाई थी, शेर शाह सूरी ने। ठीक है, उसके बाद बिलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चले जाते हैं, मतलब जो बिलग्राम का युद्ध होता है उसके बाद वो सिंध चला जाता है और खानाबदोश का, मतलब घूम फिर कर अपना जीवन बिताता है। 15 साल तक इसी तरह अपना जीवन बताता है बिताता है। और इसी दौरान वो क्या करता है, हमीदा बानो बेगम,
हुमायूं ने 1541 में वीर बाबा की पुत्री हमीदा बानो बेगम से शादी कर लेता है, उसको प्यार हो जाता है हमीदा बानो बेगम से, ठीक है। और अकबर की जो माँ का नाम था वो था हमीदा बानो बेगम। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अकबर की माँ का नाम पूछा जाता है एग्जाम में। अकबर जो था वो तीसरे नंबर का शासक था, हुमायूं दूसरे नंबर का शासक था, बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि अकबर का पोजीशन हमेशा पूछा जाता है। आगे आगे अगर हम बात करें तो 1555 में हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक को सिकंदर को पराजित कर पुनः दिल्ली की गद्दी हासिल की थी। 1555 में किसको हराया था? पंजाब के सूरी शासक को हराया था, ठीक है। उसके बाद गद्दी को प्राप्त की थी 1555 में। उसके बाद हुमायूं द्वारा चार प्रमुख कौन कौन से लड़े गए थे ये भी आपको याद रखना होगा। 1531 में देवरा का युद्ध लड़ा गया था, ठीक है, जिस समय शायद वो जीत गया था 1521 में। चौसा का युद्ध है 1539 में, बिलग्राम का युद्ध है वो हार गया था, और 1555 में आखिरी जीता था। तो 1521 में जीता था देवरा का युद्ध है, और 1555 में आखिरी युद्ध जीता था, और 1556 में बेचारा मर भी जाता है, ठीक है। कैसे मर जाता है? सीढ़ियों से गिर कर मर जाता है, ठीक है। आगे देखिएगा, अब कहाँ मरता है ये भी देख लीजिएगा। दिन ए पनाह, एक पुस्तकालय था, लाइब्रेरी था, वहाँ मर जाता है सीढ़ी से गिर कर। हुमायूं की रचना के हुमायूं नामक की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने की थी, जिसमें हुमायूं के जीवनी के बारे में लिखा गया, उसका बायोग्राफी था हुमायूं नामा, जिसकी रचना गुलबदन बेगम ने की थी। हुमायूं ज्योतिष से में विश्वास करता था, इसलिए इसने सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम भी बनाए थे। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा शासक ऐसा काम करता था, ठीक है, तो हुमायूं। आगे देखिएगा शेर शाह सूरी के बारे में, क्योंकि बीच में ये भी आते हैं, हुमायूं को इन्होंने पराजित किया था, और 15 सालों तक हुमायूं को गद्दी से दूर रखा था शेर शाह सूरी ने, जिनका शासन था 1540 से लेके 1545 के बीच में इन्होंने शासन किया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में भी हम देख लेते हैं। सूर साम्राज्य का स्थापना इन्होंने किया था शेर शाह सूरी ने, जिनका जन्म 1472 में हुआ था। जीटी रोड की मरम्मत भी इन्होंने करवाई थी, मैंने बता दिया था। शेर शाह ने दिल्ली के पुराने किला ए कुहना, मस्जिद, रोहतास गढ़ नामक नगर और सासाराम में स्वयं के मकबरे का निर्माण किया था। आगे देखते हैं, अकबर अकबर 1556 से लेकर 1605 के बीच में इसने शासन किया था। अकबर ने अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 में हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राणा वीर साल के महल में हुआ था। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिएगा, अकबर के बचपन का नाम क्या था? अकबर के बचपन का नाम जलाल था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अकबर के बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। उसका राज्याभिषेक कब हुआ था अकबर का? तो 1556 में हुआ था, पंजाब के काला नॉर्थ नामक स्थान पर हुआ था, और अकबर के जो टीचर थे, शिक्षक थे, अब्दुल लतीफ ईरानी थे, ठीक है ना। आगे देखते हैं, आगे देखिएगा, बैरम खां 1556 से लेके 1560 तक अकबर के बॉडीगार्ड मतलब संरक्षक थे, और अकबर उसे प्यार से खानी बाबा के नाम से बुलाता था। मक्का का तीर्थ स्थल के दौरान मतलब यात्रा करने गए थे जो बैरम खां थे, मक्का गए थे यात्रा करने के लिए, उसी दौरान एक मुबारक खां नाम का एक व्यक्ति था जिसने इनकी हत्या कर देता है, ठीक है। आगे देखते हैं, पानीपत की दूसरी युद्ध के बाद 1556 में मतलब पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच में हुआ था 1556 में, और अकबर मात्र 13 साल कुछ महीनों में, 9 महीनों में ही शासक बन गया था, मतलब बहुत कम एज में। 1542 में उसका जन्म होता है, और 1556 में क्या होता है, 1556 में राजा भी बन जाता है और पानीपत का युद्ध भी लड़ देता है। सोचिए कितने कम एज में उसने हेमू को हरा दिया और पानीपत का दूसरा युद्ध भी जीत लिया। आगे देखते हैं अकबर के बारे में, हल्दी घाटी का युद्ध होता है 20 साल के बाद 1576 में, 18 जून 1576 में मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में होता है, जिसमें अकबर फिर से जीत जाता है। और इसमें क्या होता है, महाराणा प्रताप जो होते हैं ना कि धनुष को चढ़ाते समय जो तीर खींचने से पहले जो रस्सी को चढ़ाया जाता है ना धनुष के ऊपर,
उसको चढ़ाते समय उनके सीने में जोर से लगता है, जिसके कारण उनको हार्ट अटैक आ जाता है, जिसके कारण महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है। एक साथ दोस्तों इतना बोलना होता है ना, जिसके कारण थोड़ा सा जबान जो होता है लड़खड़ा जाता है। चलिए आगे देखिएगा, मैंने बता दिया पानीपत के दूसरे युद्ध के बारे में। दिन ए इलाही 1582 में जो धर्म था वो आता है, और इसको मानने वाला जो पहला शासक था और अंतिम हिंदू शासक था बिरबल था। ठीक है, तो ये पूछा जाता है बिरबल का जो रियल नाम था वो क्या था? महेश। दिन ए इलाही में दोनों धर्म को सम्मान किया जाता था, हिंदू धर्म को भी सम्मान किया जाता था और मुस्लिम धर्म को भी सम्मान किया जाता था। मतलब दोनों धर्म को मिला जुला के एक धर्म बनाया गया था, दिन ए इलाही। जी, कौन बनाया था? अकबर ने बनाया था इस धर्म को। ठीक है, आगे देखिए, आगे है अब्दुल फजल। अब्दुल फजल ने अकबर नामक की रचना की थी, जिसमें अकबर के बारे में लिखा गया था, उसका जीवनी था, बायोग्राफी था, और उन्होंने ही फारसी में पंचतंत्र का अनुवाद किया था। पंचतंत्र किसने लिखा था? तो विष्णु शर्मा ने लिखा था। अब्दुल कादिर बदायूनी के नेतृत्व में, मतलब उसके देख रेख में, रामायण का फारसी में अनुवाद किया था अब्दुल कादिर ने, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूछा जाएगा। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार कौन था? तानसेन था। उसका दीवान राजा टोडरमल था। अकाउंटेंट पूछा जाएगा, दीवान पूछा जाएगा तो राजा टोडरमल, संगीतकार पूछा जाएगा तो सबको पता है तानसेन। आगे देखिएगा, अकबर की शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता की क्या थी? मनसबदारी प्रथा थी। ठीक है, तो ये पूछा जाता है आपसे एग्जाम में। 1601 में दक्षिण में खान देश पर हमला कर असीरगढ़ के किले को छीन लिया, और अकबर का ये अंतिम सैन्य अभ्यास था, अंतिम युद्ध। अकबर ने 1601 में खान देश पर हमला किया था उस समय। ठीक है, तो ये पूछा जाएगा आपसे, अंतिम आक्रमण अकबर द्वारा। आगे देखते हैं, अकबर की मृत्यु होती है 1605 में, और उसको आगरा के निकट सिकंदराबाद में दफनाया गया था। ठीक है, अब अकबर द्वारा जो इम्पोर्टेंट जो कृतियाँ बनाई गई थी उसके बारे में हम जान लेते हैं। अकबर द्वारा जो वास्तुकला में जो योगदान है उसको हम देख लेते हैं। तो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा अकबर ने बनाया था, जो कि ताजमहल का मतलब है, ताजमहल से पहले बना था और उसी की बेसिस पर ताजमहल को बनाया गया है। हुमायूं का मकबरा मतलब ताजमहल का आधार है, तो ये आपसे पूछा जाएगा। और ये कहाँ पे? दिल्ली में। किसने बनाया था? अकबर ने बनाया था। आगरा का लाल किला, फतेहपुर सिकरी में शाही महल, दीवाने खास पंचमहल, बुलंद दरवाज़ा, जोधाबाई का महल, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला। ठीक है, ये सब अकबर ने बनाया था। अकबर नगारा नामक वाद्य यंत्र बजाता था, ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं, मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? फारसी थी। तो ये आप लोग को याद रखना है कि मुगल की राजकीय भाषा क्या थी? फारसी थी। महाभारत का फारसी अनुवाद है रजनामा, ये आपसे पूछा जाएगा। महाभारत का फारसी अनुवाद क्या है? रजनामा के नाम से। फैजी के नेतृत्व में की गई थी, किसने की थी? फैजी के नेतृत्व में की गई थी, उसके देखरेख में की गई थी। बदायूनी भी इसमें शामिल था। तो आपसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ क्या बन सकता है कि महाभारत का फारसी अनुवाद क्या है? तो रजनामा है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, जहांगीर 1605 से लेकर 1627, अकबर का उत्तराधिकारी सलीम हुआ 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी को नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण कर गद्दी पे बैठता है। ठीक है ना, जहांगीर 1605 में गद्दी पे बैठता है, और कौन से उपाधि से गद्दी पे बैठता है? नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी। जहांगीर का जन्म हुआ था 30 अगस्त 1569 में हुआ था। अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम, सूफी संत सलीम शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा था। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता था, जहांगीर को। ठीक है, जहांगीर के समय, जहांगीर का जो मतलब सबसे जो पहला पुत्र था उसका नाम था खुसरो। 1606 ईस्वी में अपने पिता के विद्रोह में इसने विद्रोह कर दिया था, जिसकी सहायता सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने दिया था, जिस कारण अर्जुन देव को क्या किया गया? फांसी का सजा भी दे दिया गया था। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद क्या होता है कि अहमदाबाद के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को, मतलब शाहजहां को,
शाहजहां की उपाधि दी थी। तो पूछा जाएगा कि शाहजहां का रियल नाम क्या था, तो शाहजहां का रियल नाम खुर्रम था। तो यहां से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आगे हम देख लेते हैं नूरजहां के बारे में। तो नूरजहां एक ईरान निवासी मिर्जा गायब बेगम की पुत्री थी, जिसका वास्तविक नाम क्या था, महरू निसा था। 1594 में नूरजहां का विवाह अली कुली बेग से संपन्न हुई थी। जहांगीर ने एक शेर मारने के उपलक्ष्य में उसको शेर का अफगान की उपाधि प्रदान की थी। और 1607 में शेर अफगान की मृत्यु के पश्चात महरू निसा जो थी अकबर की विधवा सलीमा बेगम की सेवा के लिए नियुक्त की गई थी। सर्वप्रथम जहांगीर ने नवरोज के त्यौहार पर महरू निसा को देखा और उसकी सुंदरता पे मोहित होकर 1611 में उसने महरू निसा मतलब नूरजहां से विवाह कर लिया, शादी कर लिया। विवाह के बाद उसने नूर महल एवं नूरजहां की उपाधि महरू निसा को प्रदान की और उसके नाम से चांदी के सिक्के भी जारी करवाए नूरजहां के नाम से। नूरजहां की माँ का नाम था असमत बेगम, जिसने गुलाब से इत्र निकालने की विधि की खोजी मतलब शुरुआत की थी, खोज की थी। जहांगीर के पांच पुत्र अर्थात खुसरो परवेज खुर्रम जहादार और सहियार थे। 28 अक्टूबर 1627 को भीमवार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। उसे शहादरा लाहौर में रावी नदी के किनारे दफनाया गया था। जहांगीर के मकबरे का निर्माण नूरजहां ने किया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। जहांगीर के समय चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता था, जहांगीर के समय को। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप देख लीजिएगा। जहांगीर के कुल कितने पुत्र थे, कितने बेटे थे, तो पांच है। और इसको कहाँ दफनाया गया था, लाहौर में दफनाया गया था, रावी नदी के किनारे दफनाया गया था। और उसके मकबरे का निर्माण किसने कराया था, नूरजहां ने कराया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप लोग को बता दिया। आगे देखते हैं शाहजहां, 1627 से लेके 1657 के बीच में। तो शाहजहां का जो रियल नाम था वो खुर्रम था, मैंने बता दिया। जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से 5 नवंबर 1592 को खुर्रम मतलब शाहजहां का जन्म होता है लाहौर में। और 1612 ईस्वी में खुर्रम का विवाह आसफ खान की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ, जिसे शाहजहां ने मलिकाए जमानी की उपाधि दी थी। ठीक है, इसके बाद शाहजहां ने नूरजहां को, यहाँ देखिएगा, शाहजहां ने नूरजहां को 2 लाख प्रति वर्ष पेंशन, वार्षिक पेंशन देकर लाहौर भेज दिया। और 1645 में उसकी मृत्यु हो जाती है लाहौर में नूरजहां की। ठीक है, आगे देखिएगा, नूरजहां का शादी किससे हुआ था, तो सलीम से हुआ था। सलीम का रियल नाम क्या था, तो ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मैंने आप लोग को बताया था सलीम रियल नाम था। सलीम शाहजहां को, सॉरी, सलीम को क्या बोला जाता था, ये आप लोग बताइएगा। ठीक है ना, जहांगीर, सॉरी, सलीम को जहांगीर बोला जाता था। आगे देखिएगा, उस्ताद ईसा ने ताजमहल की रूपरेखा तैयार की थी, और ये किसके लिए बनाया गया था, सभी को पता है, नूरजहां के लिए बनाया गया था। और 1632 में शाहजहां ने ताजमहल की मतलब बनाने का शुरुआत किया था, जिसका रूपरेखा मतलब नक्शा तैयार किया था उस्ताद ईसा ने। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य साहित्यकार था उस्ताद अहमद लाहौरी। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता था, और चित्रकला का स्वर्ण युग किसको कहा जाता था, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। शाहजहां द्वारा बनाई गई प्रमुख इमारत है दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, ताजमहल, लाहौर का किला। तो दिल्ली का लाल किला कौन बनाया, शाहजहां बनाया, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे देखिएगा, शाहजहां के बाद औरंगजेब आएगा। ठीक है, उसको भी हम देखेंगे। शाहजहां ने 1638 में अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के किनारे शाहजहांनाबाद इस्टेब्लिश किया था। आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री जहांआरा ने किया था। आगे देखिएगा, 8 जून 1658 को औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया। आगरा के किले में कैदी जीवन के 8 वर्ष अर्थात 22 जनवरी 1666 को 74 वर्ष की अवस्था में शाहजहां की मृत्यु हो जाती है। ठीक है,
तो उसका जो बेटा था उसने क्या किया था, उसको बंदी बना लिया था, जिसका नाम क्या था आगे जाके हम देखेंगे, औरंगजेब। शाहजहां के दरबार में वंशीधर मिश्रे एवं हरि नारायण मिश्रे दो दो संस्कृत कवि थे। तो ये पूछा जा सकता है, कम चांस है, बट क्वेश्चन को हार्ड बनाना होगा तो कुछ भी पूछा जाएगा। उसके बाद देखते हैं औरंगजेब के बारे में, जिसका शासनकाल था 1658 से लेकर 1707 के बीच में। और फाइनली दोस्तों, मध्यकालीन भारत अब खत्म होने वाला है। आगे देखिएगा, औरंगजेब का जन्म हुआ था 24 अक्टूबर 1618 को दोहात गुजरात नामक स्थान पे हुआ था। औरंगजेब का बचपन का अधिकांश समय नूरजहां के पास बीता था, और 18 मई 1637 को फारस के राजघराने की दिलरास बानो बेगम के साथ औरंगजेब का निकाह हुआ था। औरंगजेब की गुरु मीर मोहम्मद हाकिम थे। आगे देखिएगा, औरंगजेब ने सुन्नी धर्म को मानता था और उसे जिंदा पीर भी कहा जाता था। तो उसके बारे में ध्यान से देखिएगा, क्योंकि औरंगजेब के बारे में बहुत कुछ पूछा जाता है। औरंगजेब के गुरु का नाम था मीर मोहम्मद हाकिम, तो ये आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिएगा, दिलरास बानो बेगम औरंगजेब की वाइफ थी, तो ये भी याद रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और इसको जिंदा पीर भी बोला जाता था औरंगजेब को। औरंगजेब ने क्या किया था, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी थी। क्यों हत्या की थी 1675 में, क्योंकि उन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं किया था, ठीक है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकता है, एक जहांगीर ने फांसी की सजा दी थी सिखों के 5वें गुरु को अर्जुन देव को, गुरु अर्जुन देव को, और औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु को तेग बहादुर की हत्या करवाई थी सिख इस्लाम धर्म को नहीं स्वीकार करने के लिए 1675 में। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण 1679 में औरंगाबाद महाराष्ट्र में किया था, जो कि इम्पोर्टेंट है। औरंगजेब ने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया था, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। औरंगजेब स्वयं को बीना बजाने में दक्ष मानता था, मतलब बीना बजाने में बहुत ज़्यादा सही था औरंगजेब। औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में हिंदू मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया था, तथा औरंगजेब की मृत्यु 20 फरवरी 1607 में हुई थी। मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक है बहादुर शाह द्वितीय था। तो ये आपको याद रखना है कि अंतिम शासक कौन था और इसने शासन कब से कब तक किया था, तो 1837 से लेके 1857 तक। बाद में क्या होता है ना कि दिल्ली से जो मतलब 1857 का विद्रोह स्टार्ट हुआ था, इन्हीं की देखरेख में स्टार्ट हुआ था, और बाद में अंग्रेजों ने क्या किया, इनको रंगून भेज दिया, जहाँ पे कुछ दिनों में इनकी हत्या मतलब मृत्यु हो जाती है बीमारी के कारण। उसके बाद एक चीज़ मैंने नहीं बताया, मतलब अभी तो हम चल रहे थे कि मुगल और मुस्लिम शासन कैसे भारत में स्टेब्लिश हुआ, उसी बीच क्या हुआ कि साउथ में जो बहुत ज़्यादा साउथ का जो इतिहास है मध्यकालीन शासन के दौरान, उसको भी हम देख लेते हैं। तो विजयनगर साम्राज्य था, जिसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी, और इसकी आरंभिक राजधानी हम्पी में बनाई थी। और हम्पी कहाँ पे है, कर्नाटका में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि हम्पी कहाँ पे है, तो कर्नाटका में है। विजयनगर साम्राज्य में चार राजवंश हुए, संगम वंश, सुलुब वंश, तुलुब वंश, अरविंदो वंश। तो ये पूछा जाएगा, संगम वंश से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पहला वंश है, हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने मिलकर बनाई थी इस वंश को। संगम वंश की स्थापना 1336 में, ठीक है, 1336 याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था, राजा देव राय द्वितीय, तो ये पूछा जाएगा। तुलब वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी, तुलब वंश की स्थापना। आगे देखिए, तुलब वंश का महान शासक कृष्ण देव राय था, 8 अगस्त 1509 को 1509 को शासक बना था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया था। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें अष्ट दिग्गज भी कहा जाता था। उनके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग भी कहा जाता था, कृष्णदेव राय को, ठीक है ना। तो ये पूछा जा सकता है, जो भी पॉइंट अभी मैंने बताया ये आप लोग देख लीजिएगा। कृष्णदेव राय ने संस्कृत में जामवंती कल्याणम की रचना की थी, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। उसके बाद ये प्रसिद्ध कवि तेनाली रामन कृष्णदेव राय के दरबारी कवि थे, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखिएगा, नागलपुर नामक एक नए नगर हजारा एवं विट्ठल मंडिल सॉरी मंदिर मतलब टेम्पल का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था, और उनकी मृत्यु 1529 में हो गई थी। तुलब वंश का अंतिम शासक कौन थे, सदाशिव थे।
तो यहाँ पे मध्यकालीन भारत खत्म होता है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोगों का काफ़ी अच्छा रहे, और ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिएगा। अगर किसी भी टॉपिक पर आप लोग को वीडियो चाहिए होगा तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा कि अगर इस वीडियो का रिस्पॉन्स अच्छा आया तो मैं पूरा का पूरा आधुनिक भारत भी एक साथ ख़त्म करूंगा। और जब ये पूरा नोट्स तैयार हो जाएगा, अभी ये मैं एक बुक तैयार कर रहा हूँ, अगर ये पूरा किताब तैयार हो जाता है तो मैं ने रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो मैं इस बुक को आप लोग को फ्री में प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहे। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।